हमने इस चैप्टर में नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ी है. व्हाट द इन सीरीज ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट्स व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट इज वेरी पावरफुल एंड हैव द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट मूवमेंट. व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टुडे वी विल रीड अबाउट इट. हम इसके बारे में जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है. बच्चों ऐसा हुआ कि जब जो है यह वर्ल्ड वार वन खत्म हुई, वर्ल्ड वार वन खत्म होने के पूरे 20 साल के बाद वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होगी. 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होगी. जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुई तो ये वर्ल्ड वार जो थी ये टू ग्रुप्स के बीच में ये वार हुई. एक ग्रुप जो था वो जर्मनी से हिटलर की तरफ से था, फैसिज्म एंड नाज़िज्म के का व्यू लेकर. जर्मनी जो हिटलर था, हिटलर जर्मनी थी, इसमें इटली थी, बाद में जापान भी इनके साथ मिल गया. इसलिए ये तीनों जो कंट्रीज थी मिलकर इन्होंने पूरी वर्ल्ड को वो जो है जीतना चाहते थे. इनको एक्सिस पावर कहा गया, इनको एक्सिस पावर कहा गया. और ये पूरी दुनिया के साथ जो है ये फाइट करना, एक वॉर करना चाहते थे और इन्होंने की. और बच्चों इनकी जो लड़ाई थी उनमें पहले वेस्टर्न कंट्रीज थी, इनके बीच में इंग्लैंड था, इनके इनके साथ लड़ाई में जो था वो फ्रांस था और बाद में अमेरिका भी आ गया. और अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जब जापान ने अटैक किया उसके बाद अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो गया. और जब अमेरिका लड़ाई में शामिल हुआ उसके बाद रशिया के साथ भी इन्होंने कुछ पैक्ट साइन किए और रशिया भी इनके साथ लड़ाई में आ गया, वॉर में. अब बच्चों ये अब जो है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 1942 में हुई. जो वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में आरंभ हो गई. 1939 में जब वर्ल्ड वार सेकंड आरंभ हो गई तो 1942 तक पहुंचते हुए ब्रिटेन और जापान की जो वार थी वो बहुत जबरदस्त जो थी, इनमें आपस में जो है बड़ी जोर शोर से वार होनी शुरू हो गई. ये सेकंड वर्ल्ड वार थी. अब बच्चों ऐसा हुआ, अब ब्रिटेन को जो डाउट हो गया, ब्रिटेन को ये डाउट हो गया कि कहीं ये जापान जो है इंडिया के ऊपर भी हमला ना कर दे, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर था. अब इन्होंने क्या करा, इस समय इनको लगा कि अगर ब्रिटेन जो है, क्योंकि उस समय जो जापान था वो म्यांमार तक, इंडिया के म्यांमार तक पहुंच गया, जहां पर उसने हमला कर दिया था म्यांमार में. अब इंडिया कितनी दूर था उससे, म्यांमार पर उसने द जापान हैज इन्वेडेड द म्यांमार इन 1942 जब उसने म्यांमार पर हमला कर दिया था. अब जापान को इतना पास आया देखकर जो है इंग्लैंड ने इंडियंस की कोऑपरेशन पानी चाही कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई तो इंडियन जो है फुली जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ होने चाहिए. उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा, उन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा. क्रिप्स मिशन इसलिए आया टू गेट द कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस एंड टू सेटल सम थिंग्स विद देम. ही वांटेड टू प्रोवाइड टू ग्रांट द डोमिनियन स्टेटस टू द इंडियंस. लेकिन बच्चों इंडियंस पहले तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते रहे. सॉरी बच्चों, पहले तो इससे पहले वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते रहे कि इंडियन जो है कुछ इंडियंस इलेक्शंस हो, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हो और उनकी भी बात मानी जाए. और लेकिन अब जब डोमिनियन स्टेटस की बात की गई अब वो फुल जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे. अब डोमिनियन स्टेटस क्या है ये मैंने आपको पहले भी समझाया था. डोमिनियन स्टेटस हो गया कि इंडियंस दे वर फ्री टू गवर्न देमसेल्फ. उनको जो है उनके इलेक्शंस करवाए गए, उनके ही जो है रिप्रेजेंटेटिव लाए गए और उनको जो है कई जो है रूल्स रेगुलेशंस जो है उनको उनकी अथॉरिटी दी गई कि वे उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गवर्न करेंगे. लेकिन बच्चों इनमें जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स थे जैसे फॉरेन रिलेशन का हो गया, जैसे जो है डिफेंस का हो गया, या जो है ये कम्युनिकेशन का हो गया, वो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखने थे. इस चीज को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं. इंडियंस को जो है जो सिविल इंपॉर्टेंस के थे वो सब इंडियंस को जो है वो उनके हाथ में थे. लेकिन अब इंडियंस को ये बात पसंद नहीं थी, अब तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, एक नेशनल गवर्नमेंट चाहते थे. इन्होंने क्रिप्स मिशन से दे वांटेड द नेशनल गवर्नमेंट एंड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. व्हाट द क्रिप्स मिशन डिड नॉट प्रॉमिस दीज थिंग्स, सो द क्रिप्स मिशन वॉज रिजेक्टेड. ऑल द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन.
mission. So the and the Cripps mission bent back. He was back and what? लेकिन डोंट थिंक कि उनके जाने के बाद इंडियन जो है आराम से बैठ गए. अब उन इंडियंस के लिए सिचुएशन बड़ी टफ थी क्योंकि दे रियलाइज्ड कि अब जो है जापान जो है वो बर्मा तक पहुंच गया है. अब उसको इंडिया में पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी. अब महात्मा गांधी जो है इस बात से उन्होंने सभी इंडियंस को इकट्ठा किया. उन्होंने वर्धा में 14 जुलाई को एक मीटिंग की. उन्होंने 14 जुलाई को जो है वर्धा में जो है ये मीटिंग की. महाराष्ट्र में वर्धा में उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने जो है वर्धा में मीटिंग की और जो है वहां पर मीटिंग में ये जो था ये बात उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि जो है ये अब जो है हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. वहां के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने महात्मा गांधी की बात को सुना. लेकिन अभी इनकी जो प्रपोजल था उस प्रपोजल में भी यस नहीं हुई. इस प्रपोजल को जो है मारने के लिए अब जो है इस जो प्रपोजल था इसको किस तरीके से आगे लेना है. इस क्विट इंडिया मूवमेंट को किस प्रकार से चलाना है. ये फिर 7 और 8 अगस्त को फिर से जो है बॉम्बे में ये मीटिंग हुई. बॉम्बे में जहां पर एक मीटिंग हुई वहां के क्रांति मैदान में मीटिंग हुई. 7 अगस्त को मीटिंग आरंभ हुई और 8 अगस्त की मिडनाइट तक मीटिंग चली. और वहां पर फिर ये डिसाइड किया गया कि नो दे विल स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट. अब क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था क्विट इंडिया मूवमेंट दैट दिस वाज नॉट अ सिंपल मूवमेंट. इट मींस इसका दूसरा नाम है भारत छोड़ो आंदोलन. अंग्रेजों से मांग की गई अंग्रेजों भारत छोड़ो. अब हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है. उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज भारत में रहे तो जो है जो जापान को या जर्मनी के जब को इंडिया में आके अटैक करने में अब देर नहीं लगेगी. इसलिए उन्होंने सोचा अगर हमने भारत को बचाना है तो अंग्रेजों को जहां से निकालना होगा. इस क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम, एक नाम मैंने बताया जो भारत छोड़ो आंदोलन और एक नाम अगस्त मूवमेंट भी है. इसका अगस्त क्रांति भी इसको कहा गया है जो इन्होंने आरंभ कर दी. जब 7-8 अगस्त को जो प्रपोजल पास हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट को आरंभ करने का, तब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को जो है वहां पर जो है उन्होंने फिर एक लोगों को स्पीच दी और लोगों को कहा इस मूवमेंट के लिए तैयार होने के लिए जो है लोगों को तैयार किया इस मूवमेंट के लिए. और जो उनकी स्पीच थी लोगों को इतना ज्यादा इंस्टिगेट किया, लोगों में इतना जोश भरा कि वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है नेक्स्ट डे ही जो है महात्मा गांधी और बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया और जेलों में डाल दिया. और जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसको बैन कर दिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया और जो है ये बड़े बड़े लीडर्स सभी जेलों में चले गए. जब बड़े बड़े लीडर्स जेलों में चले गए तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आरंभ हुई, तो लोग जो है इस मूवमेंट से पीछे नहीं हटे क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है अपनी स्पीच से लोगों में इतना जोश भरा हुआ था. उनको भी बताया हुआ था अगर महात्मा गांधी ना भी हो फिर भी उन्होंने इस मूवमेंट को आगे लेके जाना है और भारत को अब आजाद करवाना है. अब जो थे जो लोग जो थे हर एक जगह पे, लेकिन बच्चों एक बात थी, हर एक आप इनके पास कोई लीडर नहीं था. सभी बड़े लीडर जेलों में थे. जो है ये बिना किसी बड़े लीडर की गाइडेंस के जो मूवमेंट चल रही थी हर जगह पे हर रीजन में. जब मूवमेंट जो थी अपने अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी, अपने अपने हिसाब से चल रही थी. स्टार्ट में तो ये मूवमेंट जो थी ये नॉन वायलेंट वे से चली. डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, मीटिंग्स हुई, जो प्रोसेशंस निकाले गए. लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि नो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डिटरमिंड टू सप्रेस देयर मूवमेंट, अब ये भी वायलेंट हो गए. इन्होंने भी वायलेंट होकर पुलिस स्टेशन चला दिए, उनकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर हमले किए. इन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स जो थी वो कट कर दी. इन्होंने भी जो है कम्युनिकेशन के जितने भी दे आल्सो ब्रोक द ऑल द सिस्टम्स ऑफ द कम्युनिकेशंस. और इन्होंने जो है डिपिक्टेड द लिकर शॉप्स. और इन्होंने इसी हिसाब से लेडीज भी घर से निकली और सभी लोग जो थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों भारत छोड़ के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए. अब बच्चों जब ये ऐसे हालात थे लेकिन कमी एक ही बात की थी कि इस मूवमेंट को चैनलाइज नहीं किया गया था. इस मूवमेंट को अच्छी तरह से चैनलाइज नहीं किया था. लोगों का जोश वैसा ही था. अब लोगों में एक विचार आ गया था अब हमने भारत को आजाद करके ही छोड़ना है. हर एक के मन में भारत को आजाद करने की भावना थी और वो जो ख्वाब देखते थे अब जल्दी ही अंग्रेज भारत से भारत को खाली करके चले जाएंगे. लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ. जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 में महात्मा गांधी जी को जेल से छोड़ा गया.
जब महात्मा गांधी जी को जेल से छोड़ा गया तब इस मूवमेंट को ब्रिटिशर्स ने बड़ी ब्रूटली जो है वो सप्रेस किया, इस ब्रूटली जो है बहुत ब्रूटली इसको सप्रेस किया एंड में ये मूवमेंट जो थी सप्रेस हुई। लेकिन बच्चों महात्मा उस समय हमारे इंडियन जो थे वो जो वायोलेंट हुए थे, यहाँ पर महात्मा गांधी ने अब लोगों को ही सपोर्ट किया, उन्होंने ये नहीं किया कि लोग वायोलेंट हुए हैं तो मूवमेंट को बंद कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा अगर ये लोग वायोलेंट हुए हैं स्टार्ट में, ये नॉन वायोलेंट वे से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग्स करते रहे हैं, इनको मजबूर किया गया है, अगर ये वायोलेंट हुए तो इसलिए हुए हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी बिहेवियर इनके साथ वायोलेंट ही था, इन्होंने उसी का जवाब दिया है। इस समय जो है महात्मा गांधी ने भी लोगों का साथ दे गया, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स जो थे दे वर इंक्लाइन टू सप्रेस द मूवमेंट और एंड में ये मूवमेंट सप्रेस हो गई। ये मूवमेंट सप्रेस हो गई, मूवमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गई, इट वाज सप्रेस्ड। ये मूवमेंट सप्रेस हुई 1944 में, लेकिन लोगों के मन में अभी भी जो है ये एक भावना थी कि अब उनको आजादी मिलेगी। देयर इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट इज द दैट सिग्निफिकेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस कि द पीपल नो दे हैव बिकम द अलर्ट, नो दे हैव गॉट दिस फीलिंग, नो दे हैव टू गेट द फ्रीडम, जो भी हो जाए आजादी हम लेकर ही रहनी है। और इट इज सेड कि यही फीलिंग थी जिस फीलिंग ने लोगों को आजादी दिलाई थी, 1947 को हमें आजादी मिली, हमें मिली और महात्मा गांधी जी की बहुत कंट्रीब्यूशन है क्विट इंडिया मूवमेंट में कि इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।